दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड टीम को जरूर हरा सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाना है। ऐसे में मैच से पहले बटलर ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल इंग्लैंड टीम नए कप्तान और कोच के आने के बाद जीत की रथ पर सवार है। ऐसे में इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर ने टीम इंडिया को खुली चुनौती दी है। पहले T20 मैच से पहले कप्तान जोस बटलर ने कहा है कि एजबेस्टन में इंग्लैंड टीम ने जो किया वो देखना कमाल था। हम इस जीत से सबक लेते हुए इंग्लैंड टीम की जीत के रथ को आगे भी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि नए कप्तान और कोच के आने के बाद इंग्लैंड टीम एक भी मैच नहीं हारी है और टीम एक अलग अंदाज में भी नजर आ रही है। नए कप्तान बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में टीम ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया, फिर एजबेस्टन में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली। इतना ही नहीं, वनडे मैचों की बात करें तो नीदरलैंड के खिलाफ टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की थी। एजबेस्टन टेस्ट से पहले इंग्लैंड इस सीरीज में 1-2 से पीछे थी। हाल ही में इंग्लैंड के व्हाइट बॉल के कप्तान इयान मॉर्गन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जोस बटलर को छोटे फॉर्मेट टीम की कमान दी गई है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने पहले T20 मैच में बटलर के नेतृत्व में बड़ी चुनौती होगी। जोस बटलर फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं। हालिया IPL में बटलर ऑरेंज कैप के विनर हुई थे। उन्होंने IPL के 17 मैचों में 57.53 की औसत और 149.05 की स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए थे, जहां उन्होंने आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और हर्षदीप सिंह जैसे गेंदबाजों का सामना किया था जो पहले T20 में टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं। ऐसे में रोहित के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि रोहित इस विजय रथ को रोक पाएंगे या नहीं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।